सुमिता देवी निर्विरोध बनी बोधगया उप प्रमुख। बोधगया वासियों ने फूल माला से किया स्वागत। बोधगया, आज दिन सोमवार को बोधगया उप प्रमुख का चुनाव सदर एसडीओ गया के कार्यालय में संपन्न हुआ। निर्वाची पदाधिकारी किसले श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव संपन्न कराया गया। बबीता कुमारी के विरुद्ध कोई भी नामांकन नहीं हुआ। कुछ देर इंतजार के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने बबीता कुमारी के जीत की घोषणा की। जानकारी हो कि बोधगया उप प्रमुख की सीट कुछ दिनों से खाली चल रही थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराया गया। बबीता देवी के उप प्रमुख बनने की घोषणा होते ही लोगों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। मौके पर बबीता देवी ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन लोगों के सहयोग के बदौलत ही आज मैं पहली बार उप प्रमुख का चुनाव लड़ी और जीत गई। मौके पर मौजूद बोधगया प्रमुख गुड़िया देवी ने उप प्रमुख के जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह बोधगया की जनता की जीत है। जीत के बाद नवनियुक्त उप प्रमुख बोधगया ब्लॉक कार्यालय आकर पदभार भी ग्रहण किया। उप प्रमुख प्रतिनिधि साधु पासवान ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जीत के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे साथ खड़े 16 पंचायत समितियों की बदौलत ही यह जीत हासिल कर पाया। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि सुदेश कुमार, उप प्रमुख प्रतिनिधि साधु पासवान, पंचायत समिति के साथ साथ भारी संख्या में बोधगया वासी मौजूद थे। मैं अपने सभी समिति भाइयों को और बहनों को सबको धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मेरा साथ दिए। आज हम उन्हीं के साथ से इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं और बाकी बहुत खुशी है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे। आज उप प्रमुख का चुनाव फर्स्ट बार लड़े और जीते भी निर्विरोध, 16 वोट से निर्विरोध जीते। निर्विरोध जी जी निर्विरोध जीते। उप प्रमुख आज जीत हुआ है, हम बहुत खुशी की बात है। आज पूरे जनता हमारे बोधगया के सभी लोग के भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप उप प्रमुख के पति हुए नव निर्वाचित, क्या बोलेंगे? आज बहुत खुशी का माहौल है बोधगया प्रखंड में। उप प्रमुख के लिए हमने बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष के साथ साथ हमने 16 समिति बहुत साथ हमको दिए। हमने हाई कोर्ट तक गए। विरोधी पार्टी जो थे पहले के उप प्रमुख बिजनेश कुमार यादव जी ने वो हमको चुनाव को स्टे ले लाया था। जो 12 तारीख को चुनाव होना था तो 4 महीना इसमें हमको हाई कोर्ट का मामला चला, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो फिर आज का डेट मिला तो आज चुनाव हुआ।